बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी बनाऊंगी जो कि हम ब्रेड से बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ साइड पे कर देंगे, यहाँ रख के ब्रेड के हम ये चारों तरफ से ऐसे किनारे काट देंगे। सब ब्रेड्स के मैंने एजेस रिमूव कर दिए हैं यहाँ मेरे पास हैं, तो अब हम इन्हें भी वेस्ट नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना के तो रख लेंगे। अब हम इन ब्रेड के स्लाइसेस को ऐसे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड को छोटा छोटा काट लिया। अब मैं यहाँ एक बाउल लूँगी सेपरेट, ये देखिए ये मेरे पास है। अब मैं सारे ब्रेड इसमें डाल दूँगी और ऐसे हाथों से ऐसे छोटा छोटा कर लूँगी। सारे ब्रेड के पीसों को ये देखिए मैंने हाथ से ऐसे ही कर करके, तो ये देखिए इसके छोटे छोटे ऐसे ही हो गए हैं, ये बल्कि ब्रेड क्रम्स ही बन गए हैं तकरीबन। लेकिन अगर आप हाथ से ना करना चाहते हो तो आप ग्राइंडर में डाल के तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजीली हाथ से हो जाते हैं। आज जो हम गुलाब जामुन की रेसिपी बनाएंगे ये दुनिया की आसान तरीन रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है और ये किसी से टूटेगे नहीं। अब हम चाशनी रेडी कर लेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने 1.5 कप, 1.5 कप मैं पानी का लूँगी, 1 कप हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप भी अपने घर का कोई भी कप ले लीजिएगा, 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी का रेशो रख लीजिएगा। अब यहाँ हम इसमें खुशबू के लिए 4 इलायची हैं मेरे पास, यहाँ मैं इलायची डालूंगी, आपके पास इलायची पाउडर हो आप वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हम इसमें लेमन डालेंगे, लेमन जूस, आपके पास लेमन ना हो आप थोड़ा सा सिरका डाल लीजिएगा। इसको ऐसे हल्का सा चला देंगे ताकि चीनी डिजॉल्व हो जाए और थोड़ा सा इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी इस्तेमाल की है। आप अपने घर का कोई भी कप ले लीजिएगा, उससे ही सारी चीज़ों की मेजरिंग कर लीजिएगा, 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी। अभी ये पकना शुरू हो गया है, अब हम इसे तकरीबन 5-6 दफ़ा उबलने देंगे ऐसे ही, हमें इसकी कोई तार शार नहीं बनानी। चाशनी हमारी पक के तैयार हो चुकी है, मैंने इसे टोटल 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है। अब हम यहाँ ब्रेड में, ये मेरे पास दूध है, थोड़ा थोड़ा स्पून की हेल्प से ऐसे दूध डाल के तो इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। जितने स्पून इसमें डालेंगे मैं आपको बता दूंगी, 3, 4, 5, 6, पहले हम 6 डाल लेते हैं। और दूध जो है मेरे पास ना तो ये गर्म है और ना ही ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे है। 6 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध डाला है, लेकिन ये देखिए अभी थोड़ा है, अभी मैं इसमें और डालूंगी दूध। अगर आपके पास मलाई वाला हो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टोटली 10 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध डाल दिया है, लेकिन अभी भी और जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए मैंने इसमें टोटल 12 टेबल स्पून दूध के डाले हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से ऐसे मस लेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसके बॉल बना लेते हैं। अब यहाँ मैंने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है, अब हम यहाँ से लेके तो छोटी छोटी बॉल तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम बॉल बना बना के तो पहले इनको रख लेंगे। ब्रेड बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, उधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, अब हम बॉल्स को इसमें डाल देते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का गर्म रखेंगे। मैं इनको मीडियम हीट पे बना रही हूँ और डालते ही साथ हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे, हल्का सा इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। अब हम इनको हल्के हाथ से हिला लेते हैं थोड़ा सा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है और ये किसी से भी ख़राब नहीं होंगे। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जैसा आपको कलर चाहिए उसके आने तक आप इनको पकाएं। हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, आप अपना मनपसंद जितना आपको कलर चाहिए, डार्क लाइट आप कर सकते हैं। अभी मैं इसे और हल्का सा कलर दूंगी। हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं। शीरा हमारा नीम गरम है, अब हम ये बॉल सारी इसमें डाल देंगे, ये जो हमारी गुलाब जामुन है, और इसको 2-3 मिनट के लिए इसी में ऐसे ही डिप करके रखेंगे शीरे में। सर्व कर लेते हैं हम गुलाब जामुन को, हमने इसे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए शीरे में डिप करके रखा था। Thank you.
बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी जूसी से हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। बहुत इजी और सिंपल से गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ना तो हमने इसमें अंडा इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ना ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ किया है। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। मैंने रेसिपी के लिए बहुत कम बनाए हैं, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। बहुत इजी और बहुत परफेक्ट रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।